हमको यही सुविधा है कि क्या करें, जिंदगी भर तो बच्चे लोग को पालते आए, लेकिन पति भी बहुत बीमार है, मेरा पैर फूल गया, उसमें कीड़ा है, और उनका भी इलाज कराते हैं, अकेला कमाते हैं और बच्चे लोग को देखते हैं। बच्चे को थोड़ा टाइफाइड का बुखार हुआ था, उसके बाद में क्या हुआ तो उसको हॉस्पिटल भर्ती कराने के लिए कुछ भी तूफानगंज लेके गए पहले, तो तूफानगंज हॉस्पिटल में भर्ती हो गई। उसके बाद खून भी चढ़ाया, पानी सब चढ़ा के दवा हुआ किया, तो डॉक्टर बोल दिया उसने कि उसको हॉस्पिटल बेंगलोर ले जाना पड़ेगा, वो हार्ट का ब्लॉक बल्ब है ना वो ख़राब हो चुका है, तो हॉस्पिटल में ऑपरेशन कराना होगा उसको। तो मेरे पास तो पैसा नहीं था, जो भी पैसा था तो दवा हुआ खरीद के ख़त्म हो गया मेरे पास। फिर भी कहूँ से भी काट के फिर भी मैं कुछ भी यार लेके आई हॉस्पिटल दिखाने के लिए, हार्ट का डॉक्टर बोली, वहाँ पर भी बोल दिया कि इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा, उसको कलकत्ता या बेंगलोर दोनों में से एक ले जाना होगा, बहुत खर्चा लगेगा, मेरा पास तो एक पैसा भी नहीं है। इसीलिए जहाँ पर मेरा बेटी स्कूल पढ़ रही है अभी, तो अभी तो स्कूल भी छूट गया है, वैसे घर बैठी है बीमार से, सिर्फ दवा खा रही है और दवा भी खरीद के खिला रही हूँ मैं, दवा खरीदने के लिए ही मुश्किल हो गया है, तो ऑपरेशन करने के लिए तो बिल्कुल पैसा नहीं होगा मेरे पास। इसीलिए आप लोग से मदद चाहती हूँ मैं भी, मेरे बच्चे के जान बचा लीजिए, आप लोग आगे आइए, थोड़ा मदद कीजिए मेरा। बच्चे का नाम क्या है आपका? बच्चे का नाम मेरा, बच्चे का स्कूल का नाम है आरती, घर में हम लोग ज्योति बुलाते हैं उसको। कितनी साल की है? 12 साल की है। पापा क्या करते हैं इसके? पापा काम नहीं करते, वो पापा भी बीमारी है, ऐसे घर में पड़े रहते हैं और साथ में भी नहीं रहते, पापा थोड़ा ज़्यादा दारू पीते हैं, तो उनका भी पैर एक ठो खराब हो चुका है, कीड़ा लग चुका है, तो बिल्कुल काम नहीं करते, पहले से नहीं काम करते हैं, तो अकेले हमको संभालना पड़ता है। अभी भी मेरे माथे में बहुत सारा कर्जा है। जो कितना दिन पहले दिखाई थे कुछ बयान में? हो गया, एग्जाम खत्म हो गया, 4 महीना हो गया है हमको दिखाए हुए। तो डॉक्टर तो बताया क्रिटिकल कंडीशन है, फिर भी आप 4 महीना लेके बैठे हुए हैं जी, क्या करें, पैसा नहीं हुआ हमारे पास, इसीलिए जगह जगह मदद के लिए दौड़ रहे हैं, अपने समाज में दौड़ रहे हैं, कोई मदद नहीं कर रहा है। यही है कि मेरे बच्चे का स्कूल का जो प्रिंसिपल है वो थोड़ा मदद कर रहे हैं, इसीलिए स्कूल का बच्चे लोग का माता जी थोड़ा थोड़ा पैसा उठाने के लिए बोले, फिर भी नहीं पहुंच रहे हैं, इसीलिए आप लोग से मदद चाहते हैं हम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनिया भास्कर है। यो अहिले हाम्रो नानी आरती भास्कर क्लास 2 पढ्छ, 2 वर्षदेखि यहाँनिर स्कुलमा बाहिर घरमै बसिराखेको बिचरा नानी, अन्त हामीले चाहिँ स्कुल पढ्नुपर्छ भनेर अहिले 12 सालमा क्लास 2 छ, र उसको 4 महिना भयो स्कुल आउनु बन्द भएको, र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ आइरहेको थियो। हामीले बुझ्दाखेरि इन्क्वायरी गर्दाखेरि नानी एकदमै हार्टको प्रब्लमले चाहिँ घरमै रहेछ, हामीले गएर टिचर्सहरू सबैजना हामी गएर त्यहाँनिर बुझ्दाखेरि नानीको अपरेसनको लागि खर्च नपुगेर बिचरा नानी पनि घरमै बसिरहेको, स्कुल आउनु हुन सक्ने स्कुल आउने इच्छा भइरहेको नानी, र हामीले प्यारेन्ट्सहरूलाई के भन्यौँ भने हामी ठिकै छ, अब उहाँलाई अपरेसन गर्ने अब के कसो हो होइन, बेङ्गलोरमा लानुपर्ने हो कि कुन चाहिँ हस्पिटल लानुपर्ने हो, हामी कोसिस गर्छौँ, हामी फन्ड रेजिङ गरेर नानीको अपरेसनको लागि हामी कोसिस गर्छौँ भनेर चाहिँ हामीले एउटा पहल गरेको छौँ, र अब अपरेसन सर्जरी एउटा हार्ट सर्जरीको अपरेसनको लागि त प्राइभेट हस्पिटलमा गऱ्यो भने त 3-4 लाखको खर्च हुन्छ, त्यसमा हाम्रो स्कुलले जति सक्दो गाउँको मान्छे वरिपरि प्यारेन्ट्सहरू स्कुलको हरेक प्यारेन्ट्सले हामीलाई सपोर्ट गरेको छ, यो नानीलाई बचाउने जसरी भए पनि उसको अपरेसन सक्सेस गर्ने भनेर, तर भए पनि अब 3-4 लाख रुपियाँ हामीले जुन चाहिँ स्कुलले मात्रै जम्मा गर्न सक्दैनौँ, र जैगोमा जति पनि हाम्रो प्यारेन्ट्सहरू जति पनि बासिन्दाहरू छ उहाँहरूलाई पनि एउटा रिक्वेस्ट, यो सानो नानी एउटा पढ्ने इच्छा गर्ने नानीलाई चाहिँ हामी सबैजना मिलेर उसको हार्टको अपरेसनलाई सक्सेस गराउने भन्ने चाहिँ एउटा कोसिस हामी सबैलाई जैगोको बासिन्दालाई एउटा रिक्वेस्ट गर्ने हामीले गर्ने कोसिस गरिरहेको छौँ, र तपाईँहरूले पनि एकचोटि हामीलाई हेल्प गर्ने यो नानीलाई चाहिँ यसको उहाँको अपरेसन सक्सेस गर्ने भन्ने चाहिँ एउटा सबैजनालाई एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। क्या करना चाहती हो आप? मैं बहुत पढ़ने चाहती हूँ, मैं कुछ दिन में बुखार से पूरा
के हाथ दर्द करने लगा, तो मैंने माँ को बोला मैं हाथ दर्द कर रहा है, बुखार लग रहा है, हाथ भी बहुत दुख दुख हो रहा है। से बोला तो उनको दिखाई, दिखा के डॉक्टर ने तो बोला ऑपरेशन करने के लिए माँ के पास तो पैसा नहीं है, मुझे भी मालूम है, तो स्कूल की तरफ से मुझे अभी ऑपरेशन करने के लिए पैसा तो उठा रहे हैं। सकते हैं तो आप लोग भी मदद कीजिए हम लोग का। कभी कभी तो हाथ बहुत दर्द करता है, उठ नहीं सकती हूँ।